हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल अर्णव एजुकेशन पॉइंट में। मैं आपका दोस्त संजीव। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो पहले कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इससे पहले भी मैं 3-4 वीडियो इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड बना चुका हूँ। हम आगे बात करें इससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। पहला क्वेश्चन है, निम्न में किस राज्य में बौद्ध स्थल टेबो मठ स्थित है? यूपीएससी प्री 2009 का क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है सिक्किम, तीसरा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश और चौथा ऑप्शन है उत्तराखंड। इसका आंसर है टेबो मठ हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न युगम में सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन है आजीवक संप्रदाय मोखली गोसाल, दूसरा ऑप्शन है घोर एकरियावादी पूर्ण कश्यप, तीसरा ऑप्शन है नित्यावादी अजीत केश कम्बलिन और चौथा ऑप्शन है संदेहवादी संजय वेलदू पुत। इसका आंसर है नित्यवादी अजीत केश कमलिन का नहीं है। अजीत केश कमलिन के द्वारा भौतिकवादी संप्रदाय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों की कौन सी भू राजस्व व्यवस्था कृषकों की अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? पहला ऑप्शन है बंगाल प्रांत की स्थायी भू राजस्व व्यवस्था, दूसरा ऑप्शन है मद्रास प्रांत की रेतवाड़ी व्यवस्था, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रांत की जमींदारी भू व्यवस्था और चौथा ऑप्शन है संयुक्त प्रांत की मालगुजारी व्यवस्था। इसका आंसर है मद्रास की रेतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था। इसके अंतर्गत जो किसान होते थे उनको अपनी उनकी ज़मीन का स्वामी मान लिया जाता था और उनसे डायरेक्ट भू राजस्व वसूल किया जाता था, जो लगभग 33% होता था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का कौन सा सुल्तान चंगेज खां का समकालीन था? यूपी पीसीएफ 2007 का क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है इल्तुतमिश, दूसरा ऑप्शन है बलबन, तीसरा ऑप्शन है रजिया, चौथा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी। इसका आंसर है इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध तथा जैन दोनों धर्म विश्वास करते हैं कि? पहला ऑप्शन है कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है, दूसरा ऑप्शन है मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है, तीसरा ऑप्शन है स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं और चौथा ऑप्शन है जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। इसका आंसर है दोनों ही धर्म कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत के प्रबल समर्थक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली तथा प्रजा को राजा से, किसके निधन पर अल बंदायूनी ने कहा था? यूपीएससी 1999 में पूछा गया था। पहला ऑप्शन है बलबन, दूसरा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक और चौथा ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक। तो इसका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित करने के बाद तथा बाद में राज्य को कब्जे में किसने ले लिया था? यूपीएससी 2007 का क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, दूसरा ऑप्शन है विलियम बेंटिक, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी और चौथा ऑप्शन है लॉर्ड वेलेजली। इसका आंसर है लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों तथा लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? यूपी पीसीएफ 2012 का क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है 12 तथा 16 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 14 तथा 18 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 15 तथा 21 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 16 तथा 22 वर्ष। इसका आंसर है लड़कियों की 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 के भारत शासन अधिनियम की निम्न कौन सी एक विशिष्टता नहीं है? यूपीएससी 2000 का क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है केंद्र तथा राज्यों यानी दोनों में द्वैत शासन, दूसरा ऑप्शन है द्विसदनी विधानसभा, तीसरा ऑप्शन है प्रांतीय स्वायत्तता और चौथा ऑप्शन है एक अखिल भारतीय संघ। इसका आंसर है केंद्र तथा राज्यों दोनों में द्वैत शासन व्यवस्था नहीं थी, सिर्फ केंद्र के अंदर ही द्वैत शासन व्यवस्था लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित है? पहला ऑप्शन है वैष्णव, दूसरा ऑप्शन है शैव, तीसरा ऑप्शन है बौद्ध और चौथा ऑप्शन है शाक्त। इसका आंसर है चैतन्य महाप्रभु वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। तो दोस्तों, ये मेरा वीडियो था। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।